संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी का महास्नान कराने माँ गंगा गुरुवार की रात 11:45 पर मंदिर पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा ने अपने पुत्र हनुमान जी के पैर पखारे। इस दौरान श्री बांगबरी गद्दी के महंत बलवीर पुरी ने विशेष पूजा अर्चना की। शुक्रवार भोर से ही लेटे हनुमान जी के दर्शन को उमड़ी भीड़ को मायूस होकर लौटना पड़ा। पूजा विशेष अर्चना के बाद हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब गंगा जी के पीछे हटने और बाढ़ का पानी कम होने के बाद ही मंदिर खुलेगा। पिछले साल 5 अगस्त 2021 को बंधवा स्थित लेटे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर पूरी तरह से गंगा के पानी में डूब गया था। मंदिर में गंगा के पानी के प्रवेश के साथ साथ हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई थी। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। वैसे तो हनुमान जी का मंदिर विश्व के कई देशों पर है, पर यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है। यह मंदिर एक बांध पर स्थित है, इसलिए इसे बंधवा हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। कुछ लोग इस मंदिर को बड़े हनुमान जी के नाम से जानते हैं। बलवीर पुरी ने बताया, माँ गंगा का भाव यही है कि तुम हमेशा मुस्तैद रहते हो, अब थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसी मान्यता है कि जिस साल हनुमान जी के पैर गंगा मैया पखार लेती हैं, उस वर्ष आम जन का कल्याण होता है, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं लोगों से दूर रहती हैं, विश्व का कल्याण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPS।